खबर उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर से है। आपको बता दें कि इस समय गर्भ का जो समय है वो है 75वीं सालगिरह आज़ादी की। दरअसल जब में डूबा हुआ पूरा देश धूमधाम के साथ में अपनी सालगिरह को मनाने की तैयारी कर रहा है और इस मौके पर तमाम कार्यक्रम भी पूरे देश में आयोजित हो रहे हैं। फिलहाल एक खास तरीके का कार्यक्रम एयरफोर्स गोरखपुर में हुआ, जहां पर आपको बता दें कि तमाम जो लोग थे उन्हें सम्मानित किया गया, उनकी वीरता के लिए, उनके बलिदान के लिए और उन्होंने जो अपना योगदान दिया है उसके लिए। गर्व से सीना किसी का भी चौड़ा हो जाता है जब हम अपने जवान को देखते हैं अपना कर्तव्य निभाते हुए, और इसी हौसले के साथ में पूरी तरीके से वहाँ पर लोगों का सम्मान भी हुआ और तमाम अपने वहाँ पर अनुभव भी लोगों ने साझा किए। आपको बता दें कि देश इसमें 75वीं सालगिरह मना रहा है, जिसको लेकर पूरे देश में धूमधाम से तमाम कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। इस मौके पर लखनऊ से लगा के दिल्ली, दिल्ली से लगा के तमाम जो हैं जिले हैं देश प्रदेश के, वहाँ पर अलग अलग तरीके से गौरवान्वित करने वाले तमाम क्षणों को अनुभूति करने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही गरिमा में जब अनुभूति जब होती है, जब वीर जवान का तमाम जो वहाँ पर सीना चौड़ा होता है, जब उन्हें उनके किए कामों के लिए सम्मान मिलता है और सम्मान का हक मिल के किसी को भी फख्र हो सकता है अपने उस काम के लिए जो उसने किया। उसके परिवार को गर्व की अनुभूति होती है जब उसे मालूम होता है कि अपने पीछे वो क्या छोड़ गया है। इसी के साथ में ही वो तमाम जब वहाँ पर चीज़ों को सुनता है, पूरी बातों को सुनता है, तो निश्चित रूप से समाज में एक बेहतर संदेशा भी जाता है। संदेशा जाता है कि देश के लिए हमें क्या करना है और हम क्या कर सकते हैं। अपने योगदान को निभाते हुए तमाम जब लोग खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से सभी का सीना चौड़ा हो जाता है और गर्व की अनुभूति भी होती है। बहुत बढ़िया लग रहा है और देश ने हम लोगों के बारे में सोचा, इससे पहले तो कभी होता नहीं था। बहुत अच्छा लगा कि इस बार सोचा गया है और सरकार सोच रही है हम लोगों के बारे में। बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि सरकार अगर ऐसे ही सोचती रहेगी तो और लोगों का मोटिवेशन होगा, सब लोग काम करने के इच्छुक होंगे और जी जान लगा के काम करेंगे फिर। जी जी, लड़ाई की डिटेल तो अभी यहाँ क्या बताई जा सकती, बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। बस शौर चक्र से संबंधित आपने साइटेशन पढ़ लिया होगा, ये ऑपरेशंस था 1998 को जुलाई महीने में। हफरूडा एक फॉरेस्ट है, हफरूडा फॉरेस्ट में सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन था 72 घंटे का। उसके दौरान हम लोगों को एक हाइड आउट मिला था, हाइड आउट मिलते हैं जो उनके छुपने की जगह होती है, उसको हमने डिस्ट्रॉय किया था और उसमें 3 टेररिस्ट हमने मारा था और मैं घायल भी हो गया था, इसलिए मुझे शौर चक्र मिला था। मेरा नाम है सुबदार मेजर और मेरी कैप्टन राजेश मिश्रा।